पिछले महीने जापान में वायरल हुई एक वीडियो फुटेज चर्चा का विषय बन गई। इसमें एक महिला लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अविश्वसनीय रूप से उसका चेहरा महज 10 सेकेंड्स में महिला से एक पुरुष जैसा दिखने लगा। पर सवाल यह है कि क्या आपने इस पे गौर किया? पहले उसके बाल बदलते दिखे और फिर उसके चेहरे की बनावट एक पुरुष जैसी प्रतीत होने लगी। बता दें, ज्यादातर लोग इसे एक शेप शिफ्टर मान रहे हैं, एक ऐसा जीव जो कि इंसानों के बीच इंसानों जैसा ही बनकर रहता है। हालांकि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। ये वीडियो आया है अर्जेंटीना से, जिसमें कुछ सफाई कर्मचारियों को फर्श पर फैले पानी में एक अजीब हरकत होती दिखी। यहां पानी में एक छोटा सा बवंडर बन रहा था, जिसे देखकर सफाई कर्मचारी हैरान थे। वो बोल रहे थे कि हम 5 लोग इस अनोखी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि कोई हमें पागल ना समझे। उनके अनुसार यहां कोई तेज हवा नहीं चल रही थी, ना ही फर्श के नीचे किसी तरह का खोखलापन था। तो फिर इस घटना को आखिर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान अनेकों दफा लोगों की आंखों का रंग बदलते देखा गया है। कहते हैं कि यह घटना महज कैमरा या टीवी में डिफेक्ट होने की वजह से होती है, पर कई लोग मानते हैं कि सच कुछ और ही है। रहस्यमय रूप से न सिर्फ एक बार बल्कि अनेकों लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अलग अलग लोगों की आंखें अचानक बदलती देखी गई है। बताया जाता है कि यह कोई तकनीकी खामी है, मगर कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के अनुसार इस प्रकार का ग्लिच अक्सर होलोग्राफिक इमेजेस में होता है। तो क्या हम सभी एक होलोग्राफिक यूनिवर्स में जी रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बताते हैं एक सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रोतेला। साल 2015 से भारत में एक्टिव लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनीज में से एक है, जहां आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट्स मिलते हैं। यहां आप 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम्स खेलकर अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशन भी मिलते हैं, और साथ ही यहां आपको मिलता है 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट।
तो इंतजार किस बात का, अभी खेलें और iPhone 13, Royal Enfield, Samsung Galaxy S22 Ultra जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। दुनिया के तकरीबन सभी धर्म ग्रंथों में बिल्लियों का स्वभाव काफी रहस्यमयी बताया गया है। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो ये जीव प्रेत आत्माओं की मौजूदगी का भी अनुभव कर सकता है। सुजैन नामक महिला ने अपनी बिल्ली का एक ऐसा ही अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया। अलमारी के ऊपर चढ़कर ये बिल्ली किसी चीज को छूने की कोशिश कर रही थी, कोई ऐसी चीज जो कि सुजैन को दिखाई नहीं दी। एक मिनट के इस पूरे वीडियो में बिल्ली यही हरकत करती दिखी। सुजैन जब इसका कारण नहीं समझ पाई तो उसने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद कमेंट करने वालों ने कहा कि आपके घर में जरूर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। देखा जाए तो अब तक हमारे पास एलियंस की मौजूदगी का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि फिर भी जिज्ञासा से भरे बहुत से लोग आसमान की तरफ अपने कैमरे और टेलीस्कोप लगाए बैठे रहते हैं। कार्लोस फ्रेंको भी उन्हीं में से एक है। पेशे से कार्लोस एक फोटोग्राफर है, जिन्होंने एक रात आसमान का खूबसूरत शॉट लेने के लिए अपना कैमरा निकाला और फिर उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। हैरत से भरा कार्लोस दूर आसमान में मंडरा रही इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसके अनुसार ये कोई इंसानी विमान तो बिल्कुल भी नहीं था। रात को बाहर डिनर करने निकली ये फैमिली अचानक एक पैरानॉर्मल घटना की गवाह बन गई। अगर आपने यहां जरा सी भी पलक झपकाई तो हो सकता है कि आप इसको मिस कर दो। यहां बैकग्राउंड में ध्यान से देखें तो आपको इनके पीछे से एक महिला तो गुजरती दिखाई देगी, पर उसका चेहरा नहीं। जी हां, इस महिला का चेहरा गायब था। अपने बच्चे के साथ वीडियो बनाती मां ने जब घर जाकर इस फुटेज को गौर से देखा तो वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि जापान में इसी तरह के एक भूत के किस्से काफी मशहूर है, जिसे लोग नोपेरा बो कहते हैं। तो क्या यहां उसी घोष्ट को कैमरे में कैद किया गया है? चांद का एक्सट्रीम क्लोजअप लेते हुए इस शख्स को एक अनोखी चीज उसकी सतह के कुछ ही मीटर्स ऊपर मंडराती दिखी। अलेक्सी नामक व्यक्ति ने इस फुटेज को शेयर करते हुए पूछा कि आखिर ये कैसी बला है।
वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर से एक अन्य चीज निकलकर चांद के ऊपर लैंड करने जा रही है। बता दे, अधिकतर लोग जहां इसे असली यूएफओ मान रहे हैं, वहीं कुछ के मुताबिक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हो सकता है। हालांकि शायद उन्हें नहीं पता कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से महज 250 माइल्स की दूरी पर है और चांद हमसे 2,30,000 माइल्स की दूरी पर। कैलिन बोमेन नामक व्यक्ति ने इस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करते हुए बताया कि शायद एक पक्षी की दुनिया अचानक उड़ते उड़ते रुक गई है। कार ड्राइव करते हुए उसने देखा कि एक काला ऑब्जेक्ट हवा में लटका हुआ है। उसके आसपास कोई तार या डोर नहीं थी और ना ही कोई अन्य स्ट्रक्चर था। गौर किया तो समझ आया कि यह तो कोई पक्षी है जो कि उड़ते हुए बीच रास्ते में एक ही जगह पर रुक गया है। कैलिन को यह नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने इस पक्षी की एक तस्वीर भी ली जिसमें भी पक्षी उड़ता हुआ मालूम होता है, हालांकि वो एक ही जगह पर ठहरा हुआ था। बता दे, कुछ लोगों के अनुसार हमारी ये दुनिया किसी वीडियो गेम की तरह है जिसमें कभी कभार कुछ ग्लिच दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ये उन्हीं ग्लिच में से एक है? इस पर आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं। सेवाना नामक ये महिला एक बच्ची की मां है जिसने हाल ही में अपनी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा होते देखा कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। दरअसल सेवाना अपनी बच्ची को एक खिलौने के साथ खेलते हुए देख रही थी। उसे ये मोमेंट काफी क्यूट लगा तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, पर जल्द ही ये क्यूट मोमेंट उसके लिए एक खौफनाक हादसा बन गया। तो क्या आपने ध्यान से देखा? एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे बच्ची के खिलौने को भी कैमरे की तरफ देखने की इच्छा हुई। अचानक इस निर्जीव खिलौने ने हरकत की जिसके बाद सेवाना ने इसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, मगर अब भी वो इस अजीब घटना की वजह से खौफ जदा है। कुछ ही समय पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक कपड़े की दुकान के बाहर लगे पुतले को पल के झपकाते देखा गया था। इसी तरह के एक अन्य वायरल वीडियो में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति आंखें खोलते रिकॉर्ड हुई। मूर्तियों की इन अजीब हरकतों के किस्सों में अब एक अन्य नाम भी शामिल हुआ है जो कि है होजे रोगेरियो हर्नांडिस। इनकी मौत के बाद बनाई गई स्टैचू में उनकी आंखों से आंसू निकलते दिखाई देते हैं। वीडियो में आंसू आते दिखते हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो फेक हो। हो सकता है कि कोई मूर्ति की आंखों में पानी डाल रहा हो। हालांकि जिस कस्बे में यह कारनामा हो रहा है वहां के सभी लोग इसे एक चमत्कार मान रहे हैं।